ट्रिग्नोमेट्री की एक और प्रॉब्लम, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। साइन एक्स दे रखा है और रूट के अंदर 1/1 प्लस कोज एक्स है और 1/1 माइनस कोज एक्स है, बीच में प्लस के साइन के साथ। इसको सॉल्व करना है, ये ऑप्शन दे रखे हैं चार। सॉल्व करने की सबसे पहली अप्रोच और गुड अप्रोच है वो ये कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। जब इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, एलसीएम का रूल है, और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, मतलब 1 माइनस कोज एक्स प्लस ये यहाँ पहुँच गया 1 प्लस कोज एक्स, और ये दोनों एलसीएम लिया गया है तो ये दोनों इस तरह से लिखे जाएंगे 1 प्लस कोज एक्स और 1 माइनस कोज एक्स। ये माइनस का कोज एक्स, ये प्लस का कोज एक्स कट गया, 1 प्लस 1 दो आया, ये 1 प्लस कोज एक्स, ये 1 माइनस कोज एक्स, मतलब इस तरह से देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, दो वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये हमने समीकरण पढ़ लगी थी, सर्वसमी का ऊपर 2 चल रहा है, ये पूरी ही चीज़ रूट करना चल रही है, तो रूट करना था 2 तो निकलेगा नहीं, 2 ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स निकल कर आ जाएगा, चूँकि ऊपर साइन एक्स चल भी रहा है बाहर, तो साइन एक्स बाहर इस तरह से लिख देंगे मल्टीप्ली, साइन एक्स कट जाएगा, इसका बचेगा रूट 2, जो कि इसका सही आंसर है, ऑप्शन है इसका सही आंसर। यह एक कन्वेंशनल मेथड था सॉल्व करने का, वरना शॉर्टकट एक तरीके से और लगाई जा सकती है। साइन एक्स दे रखा है यहाँ और ये कोज एक्स दे रखा, साइन एक्स कोज एक्स में इक्वेशन चल रही है। अगर आप यहाँ साइन एक्स मतलब एक्स यहाँ एंगल का काम कर रहा है थीटा का, अगर साइन एक्स एक्स की जगह आप 90 डिग्री रखोगे तो यहाँ साइन 90 डिग्री वाली हो जाएगी 1, मतलब 1 रूट के बाहर, साइन कोज 90 होता है 0 के बराबर, तो 1/1 प्लस, और कोज 90 भी 0 के बराबर होता है 1, मतलब 1/1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 तो याद आएगा रूट 2, जो कि इसका सही आंसर था, ऑप्शन ए का। अप्रोच दोनों सही है, अगर आप कन्वेंशन से सॉल्व करना चाहोगे तो इससे बिल्कुल बेहतर आंसर निकल कर आएगा, और इस ट्रिक से यूज़ करना चाहोगे या कोई ट्रिक लगाओगे इस तरह की तो उससे आंसर गलत भी बैठ सकता है। वो ऐसे समझ लीजिए, यहाँ मैंने एक्स की वैल्यू 90 ली थी, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 0 से पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन के मल्टीप्लीकेशन में ये है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, जो कि ऑप्शन में दे भी रखा है। इसलिए अगर इस ट्रिक पर जाओगे कि एक्स की वैल्यू अगर 90 रखनी है या एक्स की वैल्यू 0 रखनी है तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस भी रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा कन्वेंशनल है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। आप कन्वेंशन से सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करें, इसको आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच।